रमजान की शॉपिंग करने जा रहे हैं ना हम लोग। क्या हाल है बताओ? नहीं, औरत अच्छी होती है, उसके बिना दुनिया कैसे चलेगी? कितनी सपोर्टिव होती है, शक्ल से दिखा दो अपनी। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम्स लाइफस्टाइल। जैसा कि सब जानते ही हैं कि रमज़ान शुरू होने वाला है, और जब तक ये व्लॉग आएगा तो इंशाल्लाह रमज़ान शुरू भी हो जाएगा। तो हमने सोचा कि रमज़ान की कुछ तैयारी कर ले, तो थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। इस बार मैंने बहुत देखा है कि ना इंस्टा पे भी बहुत फ्रोज़न वाले फूड का ऐड आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस बार हम फ्रोज़न फूड ले लेते हैं थोड़ा सा, और ज़्यादा कुछ हमको फिर रमज़ान में टाइम वेस्ट नहीं होगा पकाने में। और बच्चे भी बहुत तंग करते हैं, वो लोग सीधा साधा वेजिटेबल तो खाते ही नहीं हैं। इसलिए मैं जा रही हूँ जोगेश्वरी मार्केट में, और थोड़ा सा मार्केट को भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि रमज़ान की कैसी तैयारी चल रही है वहाँ पर, और सड़कों पे भी दिखाऊंगी। जैसा कि आपने मेरे एरिया का रोड तो देखा कि पूरी तरीके से खाली है, वहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन जोगेश्वरी एरिया में अगर मैं जाती हूँ तो वहाँ पे तो रमज़ान की इतनी रौनकें रहती हैं। तो हम देखते हैं मार्केट के में क्या चल रहा है। और ये देखिए, हम जोगेश्वरी मार्केट में एंटर हो रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड बाइक से ही जा रहे हैं क्योंकि पार्किंग का मसला ना हो जाए इस वजह से। और 8 बजे के बाद हम निकले थे, और ये सिचुएशन है मार्केट में। मेरे घर के पास तो पूरी तरीके से सारी चीज़ें बंद होना शुरू हो जाती है, लेकिन जोगेश्वरी एरिया में तो जैसे दिन हुआ है। और देखिए मार्केट में कितनी भीड़ है, बहुत से लोग तो रमज़ान से पहले ही ईद की भी शॉपिंग कर लेते हैं। हमने नहीं किया है, थोड़ी बहुत ही की हुई है, लेकिन बहुत से लोग रमज़ान में ईद की भी शॉपिंग कर ही लेते हैं ताकि रमज़ान में ना निकलना पड़े। और देखिए मार्केट में कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है। अगर हम रमज़ान में यहाँ पर आएंगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती कि चलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो मदनी बाग है ना, यहाँ पे एग्ज़िबिशन भी लगता है, और यहाँ पे बहुत सारे खाने के स्टॉल लगते हैं जिसकी तैयारी अभी चल रही है, अभी लगी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे पूरी लाइटिंग हुई हुई है, अभी लाइट्स शुरू नहीं हुआ है क्योंकि रमज़ान नहीं शुरू हुआ। इंशाल्लाह चांद रात के दिन ये शुरू हो जाएगा। मेरा व्लॉग भी शायद चांद रात को ही आएगा, ये मेरा चांद रात से एक दिन पहले का व्लॉग है। वैशाली नगर मार्केट तो मेरा फेवरेट मार्केट है, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने मज़ा आती है, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। और ये देखिए लाइटिंग चारों तरफ से की हुई है, पूरी मार्केट को लाइटिंग की हुई है, माशाल्लाह इतना खूबसूरत दिखेगा ना अगर मैं रमज़ान में आई। मैं रमज़ान में आती भी हूँ तो मैं दिन के वक्त आती हूँ, तो जाहिर है ये लाइट तो जली नहीं होगी, मैं शाम के वक्त तो आ ही नहीं पाती हूँ। तो मैंने सोचा ये आप लोगों को दिखा दूँ कि किस तरीके से रमज़ान की तैयारियाँ चल रही है। पूरी मार्केट में लाइटिंग की हुई है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिखाई देगा, और अभी दे भी रहा है। और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जाम है कि बाइक भी चलना मुश्किल हो गया है। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया ही था कि जोगेश्वरी मार्केट का एक रोड तो पूरा बन रहा है, तो वहाँ पर पूरा मार्केट लग गया है, तो वहाँ से तो जाना मुश्किल ही है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है, वहाँ से बाइक भी नहीं जा सकती। तो हम दूसरे रूट पर आ गए हैं, इस रूट पे मैंने कभी भी आप लोगों को नहीं दिखाया है। तो ये रूट भी आप देख लीजिए कि इस तरीके से चारों तरफ से ये मार्केट लगी हुई है, वैशाली मार्केट। सबसे पहले तो हम खजूर की शॉपिंग करेंगे, तो हम उसके लिए जा रहे हैं शालीमार में। तो ये वैशाली नगर से थोड़ा सा आगे है। नॉर्मली तो खजूर मेरे हस्बैंड ही लेकर आ जाते हैं, लेकिन मुझे इस बार जाना था क्योंकि मुझे फ्रोज़न वाले में भी जाना था, और आप लोगों को भी दिखाना था कि फ्रोज़न वाला एग्जैक्टली कैसा है और कहां पर है, मुझे उसका रिव्यू देना था। जोगेश्वरी तो पूरी तरीके से तैयार हुआ है रमज़ान के लिए, और माशाल्लाह इतनी रौनकें हैं। और जैसे कि मार्केट तो सजे हुए हैं ही, होटल्स में भी जगह जगह पे स्टॉल लग गए हैं, स्टॉल बन रहे हैं। मतलब अभी रमज़ान को 1-2 दिन बाकी है, इस वजह से ये स्टॉल लग रहे हैं। चांद रात के दिन या इंशाल्लाह फर्स्ट रोज़े के दिन अगर कोई आता है जोगेश्वरी मार्केट तो वो इतना ज़्यादा एंजॉय करेगा। और ये देखिए हर जगह पर इस तरीके से स्टॉल बनना शुरू हो गए हैं, और हर जगह पर इस तरीके के स्टॉल लगे हुए हैं। और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है सब कुछ, और सब तैयारियां शुरू है रमज़ान के वेलकम के लिए। और खाने पीने के तो इतने स्टॉल शुरू हो गए लगना,
कि जगह जगह पे देखिए इस तरीके से छोटे छोटे स्टॉल बन रहे हैं। ये रमज़ान पूरे 30 रमज़ान तक रहेगा, उसके बाद ये स्टॉल हट जाएगा यहाँ से। अच्छे खजूर ये जोगेश्वरी एरिया में ही मिलते हैं, मतलब मेरे घर के पास ही पड़ता है। वैसे मीरा रोड में भी मिलता है और मलाड में पठानवाड़ी एरिया में भी मिलता है, लेकिन हमारे घर के पास यही पड़ता है तो हम यहीं पर आते हैं। और यहाँ पे बहुत वैरायटी रहता है, रिजनेबल तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा रिजनेबल है, ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो रेट होता है वही रेट है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए रमज़ान के लिए किस तरीके से यहाँ पे सारे जूसेस वगैरह मिल रहे हैं। खजूर की इतनी ज़्यादा वैरायटी है, सेवैयाँ भी आ गई है। और ये देखिए माशाल्लाह कितने सारे वैरायटी है खजूर के। और हमें तो लेना था कलमी, तो हमने तो वही लिया। और ये इधर यहाँ पे देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है खजूर। और खजूर तो रमज़ान में मस्ट होता है कि हम रोज़ा भी खजूर से ही खोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से फालूदा के भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। काफ़ी शॉप भी उसी तरीके से सेट हो जाता है। मुंबई तो मैंने कहा ही है कि हर त्यौहार की तरह उसमें रंग बस जाता है, तो अब रमज़ान है तो उसकी तरीके से ही पूरे तरीके से वो रंग गया है रमज़ान के वेलकम के लिए। और ये देखिए हर स्टॉल, हर होटल में स्टॉल लग रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं फ्रोज़न वाला, तो ये देखिए ये है जमजम। और यहाँ से बस इतना थोड़ा सा क्रॉस करते ही फ्रोज़न वाला शॉप आ जाता है। और ये देखिए इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है फ्रोज़न वाला। मेरे हस्बैंड ने कहा आगे भी एक शॉप है, चलो वहाँ पे देखते हैं। तो हम वहाँ पर गए तो वहाँ से तो थोड़ी सी कम भीड़ थी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो फ़र्स्ट टाइम ख़रीद रही हूँ, लेकिन लोग इतना लूट रहे थे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था फ्री दे रहे, और मैं भी उन लोगों को देख के ख़रीद रही थी। लेकिन मैंने देखिए इतना कुछ मैंने ख़रीद लिया है। और हम चूज़ कर रहे हैं कि हम क्या लें क्या नहीं लें। तो वहाँ पर ही मुझे एक लेडी मिली थी, तो मैंने उनसे कहा कि आपने कभी इसे खाया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने खाया है और बहुत टेस्टी होता है। और वाकई में मैंने ना घर पर आके इसे फ्राई किया और मैंने टेस्ट किया, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं उसका क्लिप बनाना भूल गई। और देखिए लाइन लगी है पेमेंट के लिए, और जैसे ही फ्रिज में ये लोग डालते थे पूरी तरीके से फ्रिज खाली हो जाता था। ये देखिए पूरा फ्रिज खाली हो गया है और हमने भी इतना ज़्यादा कुछ ले लिया है। एक्चुअली मुझे यहाँ पर आना था थोड़ा रमज़ान से पहले, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से ब्लॉग बनाना था, लेकिन मैं हो गई हूँ लेट। फिर भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत ज़्यादा वैरायटी है, हर चीज़ यहाँ पे वेज नॉन वेज सारी चीज़ें मिलती है, और सारी चीज़ें हलाल है। इन्होंने कहा है कि हर चीज़ हलाल है, क्योंकि शॉप भी ये मुस्लिम की ही है, तो आई थिंक सो 100% हलाल ही होगा। और ये देखिए किस तरीके से भीड़ जमा हुई है यहाँ पर। फिर भी हम इतना लेने के बाद भी हमारा फ्रेंच फ्राइज़ तो रह ही गया, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं घर पर आके जब मैंने इसे फ्राई किया तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये देखिए किस तरीके से पूरे होटल सजे हुए हैं, माशाल्लाह इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और सबसे स्पेशल अल्लाह ताला हमारे इस रमज़ान को, हमारे इस रोज़े को कबूल करे और हमारे गुनाहों को माफ़ करे, आमीन। और आप सभी को, मेरे सारे व्यूअर्स को रमज़ान मुबारक। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।